ये कह रहा है मुझे इतना मत हंसा मेरे को। Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Raja. So welcome English here. So आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे. एक्चुअली हमारा मन था कहीं आसपास एक स्टेकेशन के लिए जाने का, तो समझ नहीं आ रहा था, तो हमने ऑनलाइन थोड़ा सा सर्च किया तो हमें ये रंगमंच फार्म हाउस के बारे में पता चला. सो वी थॉट कि चलो एक दिन जाते हैं, रुक के आते हैं, राइट हर्ष? बिकॉज हर्ष ने ये सर्च किया था. अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तभी हम यहाँ जाने को तैयार हैं. हाँ तो हम निकल पड़े हैं, जाते हैं, रुकते हैं. वैसे मैंने ऑनलाइन चेक किया है कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने को, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली फॉर द स्विमिंग पूल. आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स सी हाउ इट गोस. तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमारा जो चेक इन है वो हो चुका है. अब बस हर्ष गाड़ी से सामान निकाल रहा है एंड देन हम अपने रूम में जाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं, पूरा जगह को एक्सप्लोर करेंगे. एंड मुझे अभी से अच्छा लग रहा है, ढोल की आवाज़ सुनते ही मुझे इतना एक्साइटिंग फील होता है. So this is where our cottage starts. So, बहुत ही अच्छा प्यारा सा एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे, ये शाम को सिटिंग के लिए. अभी भी यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है बिकॉज ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है. एंड दिस इज आवर रूम, काफ़ी प्यारा सा है, बहुत कॉटेज टाइप में बनाया गया है. दिस इज द वॉशरूम, दैट्स मी, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल रूम. हमें लगी है बहुत ज़्यादा तेज धूप, तो इसलिए हम सबसे पहले जा रहे हैं खाना खाने. या हम आते आते थोड़ा लेट हो गए, तो टाइम 2:45 हो गया, तो लग गई है भूख, तो लगना भी चाहिए क्योंकि हमने एक्चुअली, हमें पता था फ्री का खाना मिलेगा. हमने तो मैं तो घर से कुछ खा के नहीं है. काजल ने तो एक ब्रेड खाया. मैंने तो ब्रेड खा ला यार, फ्री वो यार पैसे दिए और ठूसेंगे और तो हम बिल्कुल आ गए भूखंडों की. अब हम खाने पे टूट पड़ेंगे. अभी तक जो भी एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, सारे पेड़ पौधे. इनकी वेबसाइट पे लिखा था इन्होंने 10,000 पेड़ लगाए हैं. हाँ, मुझे नहीं पता था, मतलब दिस इज़ लाइक वेरी यूनिक थिंग एंड बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे पर्सनली बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं शायद काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकली हूँ, स्पेशली जॉब छोड़ने के बाद. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही रह रही थी और मेरे को जितनी आदत थी ट्रैवल करने की इधर से उधर, कंपैरेटिवली मतलब बिल्कुल नहीं घूमी हूँ मैं, तो मुझे तो बाहर निकल के इतना अच्छा फ्रेश फील हो रहा है. खाना आ गया है दोस्तों. हमारे पास खाने का ऑप्शन तो बहुत सारा था लेकिन हमारे पेट के हिसाब से हम यही खा पा रहे हैं. मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया है. भैया है यहाँ पे, नीरज भैया, उन्होंने बहुत अच्छे से खाना खिलाया है एंड पेट पूजा हो गई है, तो अब हम बाकी के काम कर सकते हैं, पूरा जगह घूम सकते हैं. कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर, हमसे सबर नहीं हो रहा. ऑल्सो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि उसकी वजह से ना ऐसे गर्मी फील नहीं हो रही है इतनी, मतलब इतनी गर्मी नहीं फील हो रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है. कह रहा है
मुझे इतना मत हंसा, मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे सर दर्द हो रहा है, क्या क्यों शादी की थी ये कॉमेडियन बीवी से, पहले नहीं पता था। देखना इसकी हालत है, इसको एक इतना सुई मारने की जरूरत है, अपने रहते लोट पोट चलाओ। इस कैमरे की और मेरी इक्वेशन वैसी हो गई है, वो जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड नहीं चला था, डोंट टॉक टू मी, क्या था वो, डोंट टॉक टू मी, इट जो वैसे ही हो रहा है, मतलब मैं इसकी तरफ बढ़ती हूँ, अपना मुंह उधर घुमा लेता है जैसे मैं अभी वॉक करके जा रही हूँ, और ये अचानक से मैं इसको कुछ दिखाने को, ये ये कहीं और चला जाता है, सो इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट मी टू टैकल दिस। अभी हम जा रहे हैं ज़िपलाइन के लिए। ओह माय गॉड, फिर मनाली में क्या किया था आपने? झूठ बोल रही हूँ, चौथी बार आई है। यहाँ की मिट्टी में कुछ अलग ही खुशबू है, मजा आ रहा है। यहाँ की मिट्टी में कुछ अलग ही खुशबू है। लास्ट में बोलो। Yes, lost it. तो अब हम जा रहे हैं कैमल राइड के लिए। कैमल राइड मैंने बचपन में ही की है, मुझे याद नहीं आ रही। नहीं यार, की है मैंने, दुबई में भी की है, बट अभी मैं दोबारा जा रही हूँ कैमल राइड करने। मजा आओगा। कुछ ऐसे मत देखो कुछ। क्या निशान है भाई, क्या निशान है। हाय। तो हम चल पड़े हैं स्विमिंग करने। स्विमिंग काजल गाउन पहन के स्विमिंग करेगी? जी नहीं, मैं अपनी कॉस्ट्यूम लेके आई हूँ। गाउन इतनी रहता है चेंज करने में। स्विमिंग था कहाँ? आई डोंट नो, इधर जाके उधर। यहाँ हाय बोलो एक बार। हाय, यहाँ तो घर है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है हमारा? हाँ, मौसम ले आए। हम जा रहे हैं स्विमिंग करने, बहुत टाइम बाद स्विमिंग कर रहे हैं, लाइक बहुत टाइम बाद। ये एंड नोबडी इज हियर। काजल देवी विश्राम फरमाते हुए हम काफी टाइम बाद स्विमिंग पूल में आए। हाँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब दिल्ली के आसपास ऐसी कोई जगह खुली है कि जहाँ पे बंदा अपना थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए जा सकता है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए जा सकता बात है। तो वेरी हैप्पी। मैं वेट नहीं कर सकती कि मम्मी पापा जल्दी से आए और फिर हम विद फैमिली, लाइक 6-7 लोग पूरी फैमिली उठ के यहाँ आए, तो और ज्यादा मजा आएगा। बात तो बिल्कुल सही। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम अगेन हियर इन रंगमच विद माई फैमिली, बिकॉज ज्यादा लोग होते हैं तो और अच्छा लगता है। हर चीज लाइक तू ही बोलती।
मेरा रोल ही नहीं अभी मैं हर्ष मेरा बोझा घसीटते हुए वैसे भी घसीट ही रहा हूँ रील कैसा लग रहा है काजल यार मैं कर रही हैं आप चाबी ढूंढ रही हूँ चाबी कैसे पति, हमारे पति चाबी घुमा दिए हैं कैसे कैसे घुमा दिए हैं मालूम इतने गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हैं तो आप नीचे क्यों नहीं देख रही आप ऊपर देख रही हैं दिस प्लेस लुक्स सो अमेजिंग सो कामिंग मतलब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे और चाबी मिल गई और हाँ सॉरी ये तो मैं बताने ही भूल गई चाबी स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव था बहुत ज्यादा हेल्पफुल था उन्होंने हमारे लिए इतनी जल्दी फटाफट से एक चाबी अरेंज की मन में दो चार गालियां दी होंगी लेकिन बट चाबी दे दी दे वर रियली नाइस और उन्होंने बहुत जल्दी से एक्चुअली नई चाबी अरेंज कर दी अब अभी बजे है सुबह के 7:15 7:30 व्हाटएवर तो अभी 7 के बाद का टाइम हुआ है तो हर्ष तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गया था मेरे को था कि थोड़ी सी नींद पूरी कर लूँ उसके बाद जाऊँगी तो मैंने सोचा तैयार ही हो जाते हैं बिकॉज उसके बाद चेकआउट तो करना ही है तो तैयार हो गए मैं बाहर निकल रही हूँ यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है यार बहुत अच्छा लग रहा है अभी आप लोगों को सारी दिखाती हूँ पीसफुल एंड हैप्पी मॉर्निंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं इतने पेड़ मैंने लास्ट टाइम अपने गांव में देखे थे या दिल्ली के आसपास तो कहीं नहीं है दिल्ली के आसपास नहीं है और सारे पेड़ों पे नाम लिखा है उनकी वैरायटी लिखी हुई है फ्रूट्स हैं जो हमने तोड़े भी हैं अभी फ्रूट खाने के लिए ऑसम देखो ये आंवला है यहाँ पे इतना सारा आंवला है मैं तो सोच रही हूँ घर ले जाऊँ तोड़ तोड़ के मार्केट में कितना महंगा है जाने का वक्त हो गया है मन बिल्कुल भी नहीं है जाने का बट टाइम हो गया चेकआउट करने का हमें आगे भी कहीं जा रहे हैं हम बहुत घूमने वाले हैं इस हफ्ते बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं सारी छुट्टियाँ डाली है मैंने बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं देखते रहना फिलहाल यहाँ से निकलते हैं एंजॉय करते रहना हाँ बहुत ही बढ़िया जगह है अगर आप दिल्ली NCR इवन यहाँ आसपास जहाँ भी रहते हो गुड़गांव वगैरह में आपको डेफिनेटली आना चाहिए अगर आपसे घर से थोड़ा लंबा भी ड्राइव है तो भी इट्स वर्थ है इट्स वर्थ कमिंग हियर स्टेइंग हियर नेचर के साथ इंजॉय करना इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं आई नो बहुत सारे लोग होटल्स में जाना होटल में स्टे करना प्रेफर करते हैं बट यहाँ पे आपको होटल जैसी मे बी उस लेवल की लग्जरी ना मिले बट जो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है जो रूट से जुड़ने का मौका मिल रहा है वो तो लग रहा है 5-star फैसिलिटी है यहाँ पे काजल इतने बढ़िया लोग वो वही तो कह रही हूँ जैसे जो लग्जरी होती है ना कि एक मार्बल्स वगैरह वो आपको ना मिले बट जो ग्रीनरी है जो यहाँ एनवायरनमेंट है जिस तरह के यहाँ प्योर लोग हैं देन जो सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है जब मर्जी चाय मिल रही है मतलब दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट इट इज़ वर्थ कमिंग हियर जो गेमिंग सेक्शन यहाँ पे है जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे है कैमल राइड
और ये हॉर्स राइड जो ऑस्ट्रिच वगैरह वो नॉर्मली मतलब वैसे आपको होटल में नहीं मिलेंगे. सो फॉर मी इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मैं वेट नहीं कर सकती यहाँ पे दोबारा आने का दिस टाइम विद माई फैमिली ताकि हम और ज़्यादा इन्जॉय कर सकें. विद दैट इट्स अ रैप ऑन टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक अगर नहीं किया है तो. अपने फैमिली ग्रुप में अपनी फैमिलीज में शेयर कर देना. बाय.